Playing now. Hey, where are you? मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। हाँ तो फिर मेरे को ना IPS लग गया, मैं भी तो छोले कुलचे लग रहे हूँ बेचने। हाँ वो तो तुम अपने कारनामों की वजह से बेच रहे हो। अगर मेरे हिसाब से चलते ना तो IPS क्या प्रधानमंत्री बना देती। तेरी माँ की आंख बना दी क्यों थारा 140 करोड़ लोगों का टब्बरा की थारा थारा टब्बर की वोटा प्रधानमंत्री बन जाना मैं मेरे कहने का मतलब है खुद तो कंगाल हुए यो, साथ में मुझे भी कर दी है। कड़ा लगा कंगाल तो ए तो बढ़िया मोटी ताजी और के पाटा की। अरे कंगाल ही कंगाल कंगाल, तुम चलो यहाँ से, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। ओ बाबा तना और तो नहीं कुछ छोड़ा इब कम तक मियां छोले कुलचे तो बेचन दे दे, क्यों गरीब ना भूखा मारा। अरे कहीं नहीं तुम मरते, यहाँ मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ और तुम्हें अभी भी छोले कुलचे बेचने की पड़ी है। चलो चुपचाप हम बोल लीब इसी कौन सी फांसिया की तरह रूडली की बिहेव कर रहे हो। हाँ बोल देना फट दे सी रूडली की आई लग दी पूरा मना टेंशन हो रही है कभी मेरी रेडी ले जा पीछा छेड़ का कोई। ये देखो अभी भी अपनी उस रेडी की पड़ी हुई है, मेरी तो कोई कदर है ही नहीं। तेरी माँ पता खिड़ जा दलिया तेरी पता वो रेडी तो मना सांझ ने रोटी दे वही खाना तेरा गया तू तो बात जगी थोड़ी देर माँ बता दिया बता देर नहीं बचा लिया। अच्छा अच्छा बता रही हूँ यार मेरे पापा ना मुझे रोज डांटते हैं। अब फिर क्या बात होगी पापा तो हो तेरा। पर लेकिन वो तो सारा दिन डांटते रहते हैं चुप ही नहीं करते। हाँ तो फिर क्या पता की तेरा पापा तो डांटा किसी और का बाप तो नहीं डांटता पर हर छोटी छोटी बातों पर भी डांटते हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया बाप हो तेरा डांटा डांटी जान दे और रोज किसी बंदे की आदत है छोटी छोटी बातों पर खींचने की। यार तुम भी उन्हीं का ही फेवर ले रहे हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसकी माँ का खराब हो जाए टेलीफोन उसकी का चल मेरे गेला जल्दी सिर पाड़ूंगा मेरा ससुरा का। अरे बाप रे ये क्या कर रहे हो तुम, पापा है वो मेरे। तुम मैं के एक घंटा हो गया उर्दू ला रहे हो बोलने, मैं भी तो जद करनी हो ला रहे हो कहने की पापा तेरा। अरे बाप है वो तो मुझे भी पता पर डांटते क्यों है। तेरे तो छेला मरे तो गुट्टी किसने दी थी मेरे तो उसका नाम बता पहला, सबसे पहले तो मैं उसी की टांग तोड़ूं जाकर। कितना गंदा वर्ड यूज किया छीला, मैं छीले विले में नहीं रही कभी, मैं तो शुरू से अलग रूम में रहती हूँ। हे भगवान जल्दी अवतार लो ये धरती संकट में है। ओए ये क्या कही जा रहे हो तुम, एक तो पहले ही हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से तुम भगवान जी को भी यहीं बुला रहे हो, दिमाग खराब है क्या। देखो भगवान जी अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ पर ना आओ, पर अगर इस बेवकूफ की बात सुनकर आ भी रहे हो तो प्लीज दो से ज्यादा बच्चे मत करना। ओ तेरी माँ का मक्की का आटा तेरी का कड़ा अपना हीरोइन बन रही है तो वो तो युग दूसरे थे जरा भगवान ना का ब्याह कर लिया पड़ेगा छोरी कदी इंस्टाग्राम पर लच्छन लाग जा पुण और छोरा कदी इंस्टाग्राम पर बदमाश ना बनकर बैठ जा, हेली इतना बुढ़ो लेगा फिर उसकी कोई ना सुना। चल भाई ओली फिर तो धर्म की स्थापना, हेली यहाँ ही लोग आगे सतयुग में पड़ जाएंगे और जे यहाँ लोग सतयुग में पड़ गए फिर तो सारा ब्रह्मांड ही घूम जाएगा। ओ तेरी बाण कमा, यह तो वाकई बहुत तगड़ी समस्या, या तू दिमाग मांगी मेरा। देखो भाई हमारी जवान वाली पीढ़ियाँ मम तो इतना जा जू लेंगे तो थम एक बात कान में पालियो, जब भी भगवान उरा अवतार लेवा तो चाहे मर जियो कट जियो बढ़ जियो पर किसी भी हालत में उसका ब्याह न होने दे दियो, नहीं सारा ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा देख लो। था रात में भी अड्डी बड़ी जिम्मेदारी सुन गया। ओए क्या बकवास करे जा रहे तू, मैं तेरा थोड़ मरवा कमागा पूरा सारा ब्रह्मांड संकट में आने वाला तन्ना बकवास लग रही। चुप आए बड़े ब्रह्मांड को बचाने वाले, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम का तो सलूशन हुआ नहीं। तेरी के प्रॉब्लम है सॉरी प्रॉब्लम की भतीजी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा मुझे क्यों डांटते हैं। अब तो डांटेगा तो आई बोला कितनी उम्र है तेरी, 22 साल। क्यों अब तो फिर बोला 23 साल पहले जो उस पता गलती हुई है उस पछतावा तो करेगा अगला। मतलब ये बताना मतलब समझाओ तो, एक काम कर अपना घर का नहीं लंडला और मन में जाकर अपने छोले कुलचे बेचने दे सुन गया। अरे कहां जा रहे हो तुम, ऐसे कैसे चले जाओगे, पहले मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बताओ। यार मन ने के भी तेरा बाप कहता खिजा रहा टोलड़ा उसका तो नहीं मानने दी तो मैं बड़का किस तरह ठंडा करूं मैं बुना। अरे वो तो मुझे पता है कि वो कैसे शांत होंगे, जे पता तो फिर जाकर कर ले मेरे के लिए मत मारना लग रही है देखी। पर वो काम मैं नहीं कर सकती ना, तुम्हें करना पड़ेगा। बता क्या करना पड़ेगा। देखो मेरे पापा मुझे इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनका मूड खराब रहता है,
उनका मूड इसलिए खराब रहता है क्योंकि उनको पिछले महीने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अच्छा, तो तुम कुछ ऐसा करो कि उनका नुकसान भी पूरा हो जाए, और नुकसान पूरा होगा तो उनका मूड ठीक हो जाएगा, और मूड ठीक हो गया तो मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं कोई अंबानी अडानी लगूंगी, मैं आप तो छोले कुलचे की रेडी लाए बैठा, बिजनेस के नुकसान करता पूरे कर दूं हमें। तो मैं कौन सा छोले कुलचे बेचकर नुकसान पूरा करने कह रही हूं, कुछ और आईडिया सोच लो। और क्या, मैं डाके मारूं इबे। करेक्ट। के करेक्ट? यस। के यस? मिल गया आईडिया। के मिल गया? मैंने बता दिया मैं गुद्दे मारूंगा मां का। अरे अभी तुमने तो बोला डाका, हम किसी के घर में चोरी करेंगे। तेरी दादी का 11 प्रो तेरी का, इतनी नीची सोच। हम अपना घाटा पूरा करने के चक्कर में किसी के घर में चोरी करेंगे? हाँ तो इसमें गलत क्या है, बहुत से लोग चोरी करते हैं, हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ तेरे लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यार तुम बहसबाजी बंद करो, ये बताओ चोरी कर रहे हो या नहीं? मैं नहीं करता हूँ चोरी, चारी परामर जाएगा। अच्छा फिर ठीक है, आज से हमारा मिलना जुलना बातचीत सब बंद। उरा का बंदा मर जाए यार, बता क्या करना। देखो मैं एक ऐसे सेठ को जानती हूँ जो बहुत अमीर है। एक मिनट, तो किसी सेठ ने किस तरह जाना? बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? ऐसे ही मैं तो कौन किसी सेठानी ने जानता। अरे वो हमारे पड़ोस में रहता है। हाँ तो मेरे ही पड़ोस में पता नहीं कौन कौन रहा। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, पहले प्लानिंग सुनो। कोई नहीं चल, तना तो फिर देखूंगा मैं। सुना तो वो सेठ ना बहुत ज्यादा अमीर है और सारा दिन दारू के नशे में टुन रहता है। हैं? फिर भी अमीर है पूरा, तो दो पैक ला लें जदू कहीं ना कहीं में घाटा पड़ जाओ। यार तुम सुन लो ना पहले। हाँ फिर कान थोड़ी बंद हो रहे मेरे। सुना तो हम उसके घर में छुपके से घुस जाएंगे और चोरी करके फटाफट निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक बात। अच्छा मैंने एक बात बता, थाने कोई ऐसी सुरू खोद रखी है जो थारा घर माता बड़का सिद्धि उससे सेठ का घर में लिगड़ दियो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर तेरी माँ का वोल्टेज का बटन तेरी का उस सेठ का घर में घुस है किस तरह? तेरा मामा लग गया जो अपना घर में बांट लेगा। यार एक तो तुम बात बात पे गाली मोत देते हो। तेरी मौसी का 5 किलो सांधी है, तेरी का गाला कौन सी दिया मना? ओके ओके नहीं दी, आई एम सॉरी। पर लेकिन जब मैं इतनी प्लानिंग कर सकती हूँ तो तुम उस घर में जाने का रास्ता नहीं सोच सकते? सोच लूंगा, पर एक शर्त बा, उस सेठ का घर माता जो कुछ भी चोरी कर कर लाऊंगे उसमें आधा तेरा आधा मेरा। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ है? छोले कुलचे की रेडी बतवा लिया मैं, अरे बाल भी पूछा भी तने की जरूरत। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा हाथ मारना होगा। हाँ तो फिर वो तो मारेंगे ही, जो चोरी करनी पड़ेगी कोई तकड़ी करेंगे, छोटी मोटी की करना। परफेक्ट चलो। क्या मिलिए उन लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आ, असली सूरत छुपी रहे। हैं? आज मरे को इतनी जल्दी नशा कैसे हो गया? तीसरे पैग में खट खट की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नशे की वजह से नहीं हो रहा, ये जरूर कहीं ना कहीं से खट खट की आवाज आ रही है। ओ माय विष्णु जी, ये आवाज तो दरवाजे की तरफ से आ रही है, इसका मतलब दरवाजे पर कोई है। ओ तेरी बाड़ा है मगोले चल आगे बमीरा। ओहो, ये तो ना गोली चली ना बम गिर, ये तो घूम घुमा का गड़म जैसे लोटा गिर पर है किसका? हाँ बेटे तो ही बता दे तो किसका। दिखा शर्मा गया। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं तेरे को अपने पास रख लेता हूँ, जब तेरे मम्मी पापा तेरे को ढूंढते हुए आएंगे तो मैं तब तेरे को उनके वाले कर दूंगा। ठीक है चलो बेटा अंदर चलो।
खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो? उठा लो ना फटाफट कुछ। यूं कि मैं उस बुढ़ा लेज उठाएगा, कोई पिज्जा टका टूम ठेकरी सी चीज मिलनी चाहिए भी। तो ऐसी चीज क्या वो बुढ़ा के बताएगा? ढूंढ लो यहाँ। हाँ तो फिर टोल लूंगा कहना टीटी खाओ रिया। अरे क्या हो गया? बोलोगे भी कुछ नहीं? ऐसा क्या है इस बैग में जो पागल हुए जा रहे हो? चुप। इसलिए तुम जैसे गरीब लोगों को दौलत हजम नहीं होती। जरा सा पैसा देखा नहीं कि होश खो बैठती हो। अगर ऐसे दांत फाड़ता रहा ना तो सेठ आ जाएगा और फिर पैसे न मिलेंगे न दिखेंगे, इसलिए चुप रह। ओ टोटोले मुनो सांस नहीं हो रहा। भाई साहब जिस टाइम मन्ना भी यू बैग पहली बार देखा था नी तो मैं भी नोया सदा बुरी खुलगा। खैर वो तो पहला ही बात, पर मेरे दसा मैं भी नो बताओ सम गोना अरे गेर रहे हैं मेरे घर माँ। बस पड़ गई ठंड और फाड़ लो दांत। देखता हूँ मैं तो ना सारा कुछ बता दूंगा और वो भी जमी सच सच, पर मेरी एक शर्त था। शर्त? शर्त क्या सी? मैं जिस तरह तना एक एक बात बताना जाऊंगा नहीं तो तना हर एक बात पीछा अपनी इस दारू की बोतल में था एक घूंट मारनी है। और अगर तो पूरी स्टोरी तक यह दारू की घूंट मारता रहा तो मैं जानते हुए तने गिफ्ट भी देखा जाऊंगा। हैं? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। वजन से चमकने से लो भाप में डब्बे से मो वाला गिफ्ट। हाँ वही वाला गिफ्ट। चलो फिर तो मंजूर रहा तो शुरू कर। ठीक है तो फिर मेरा नाम लुविसा। ओके लुविस का मतलब हुआ एक प्रसिद्ध लड़ाई यानी कि फेमस बैटल, रेफरिंग टू लव ए लोएबल पर्सन। हर नाम का हर एक अक्षर का अपना एक मतलब हुआ। तो मेरा नाम का पहला अक्षर यानी कि एल का मतलब आ कि मैं एक ऊर्जा का भरा हुआ और एक चुलबुले से स्वभाव का व्यक्ति हूं। और ओ अक्षर का मतलब आ कि मैं सीखने में बहुत ज्यादा विश्वास रखू और मैं बचपन तक ही सीखे हुए मूल्य के आधार पर अपना जीवन जीना पसंद करूं। और वी अक्षर का नाम का मतलब आ कि मैं एक जन्मजात विजेता हूं और जब मैं ठान लूं तो मैं इतनी आसानी तक किसी ने भी जीतने नहीं देंदा। एक मिनट तो मेरे तो स्टोरी थोड़ी सुनाने लग रहा, तो मेरा फुद्दू बनाने लग रहा। मन्ना तेरे नाम पते दार लेनी, तेरे नाम का कुछ भी मतलब हो
तो मेरे तो सीधा सीधा नु बताया तो होना रूरा के करना रहा। हाँ तो फिर वही तो बतान लग रहा, पर पहले मैं अपना नाम का पूरा मतलब तो बता दूं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, फिर ही तो बताऊंगा कि मेरा क्या करना है। अरे पर मरण दे ना, तो जैसे मर्जी व्यक्ति हो सरा फुद्दू व्यक्ति, तो मैं नु बता दे बस तोरे के करना रहा, अरे तो काम धन रहे करा। चल ठीक है फिर बताऊंगा सही सही। मेरा नाम तो देख मैंने बता ही दिया, अरे यह मेरी गर्लफ्रेंड, इसका नाम है चुलैड़। तो बड़ी खतरनाक चीज आ रही। चलो खैर कोई नी, हां जी आगे आगे की परगुण तो भर ले। सॉरी अरे एक मिनट अंकल, जे मैं एक एक बात सुनाऊंगा और उसके बाद तो एक एक घूंट भरेगा, मेरा ख्याल था इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भाई काम करा, मैं फटाफट अपनी स्टोरी सुनाऊँ और तो इस बोतल में मुँह कहीं ला जा। चलो कोई बात नहीं, यू भी ठीक है। चलता फिर, 1 2 3 स्टार्ट। मेरा नाम लविजा है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम चुलैड़ा, मेरे छोले कुलचे की रेडियो में छोले कुलचे बेचूँ, एक डबल रोटी सीना बीच में था पाड़ का और उसमें नू छोले भर दूँ, नू छोले भर दूँ, नू छोले भर दूँ, नू छोले भर दूँ, और फिर उन्हें आम थून का एक तवा से घेर का थोड़ा सा घी घेर का उन्हें तर दूँ और तड़का कैसी चीप लपला भाई। अगर इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करो ना तो बहुत ऊपर जा सकते हो तुम। तेरी माँ की टाटा हैरियर तेरी की, इतनी बड़ी मुसीबत होने तक चाली और इस तरह सही के मैं। अच्छा ठीक है अब इससे पहले कि ये सेठ दोबारा उठे, फटाफट ये बैग उठाओ और निकल लेते हैं यहाँ से। रनुगड़ा जावा मेरा वाचम गने सिल्फा फेरा गिफ्ट दो देशा। बस मिल गया गिफ्ट, सारा ड्राम सादा पूरी बोतल पर ले दी फिर बिन सोदी भूल गया। अरे बाप रे, ये क्या किया तुमने, अगर ये सेठ मर गया तो हैं मना मान वास्ता को नहीं मारा था। जल्दी भागो यहाँ से। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. यार मुझे ना बहुत प्यास लगी है, आसपास कहीं देखो पानी है क्या, और लाओ ये बैग मुझे दे जाओ। कली पीछे लेकड़ियां बाज गई हो ना, ना नो नहीं हो सकता, बाज का कड़ा जाएगी घर तो उसका उरी है और मैंने पता भी है तो बाज तो सकती नहीं, पर गई कड़ा कदी उस पर इतने पीछे देखा कोई ना किडनैप करके ले गयो ना, यू भी नहीं हो सकता, पर किसी ने कहीं भी रखी उस बैग में इतने सारे पीछे हैं, पर गई कड़ा बाय बाय डार्लिंग।
इतना बेवकूफ बनने के लिए धन्यवाद। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा माइंड वाकई काफी तेज है, लेकिन अफसोस मुझसे तेज नहीं है, क्योंकि देखो ना कितने साल से मैं तुम्हें लूट रही थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। देखो मैंने तुम्हारी कैसी हालत कर दी कि तुम्हें छोले कुलचे की रेडी लगानी पड़ी। इन सालों में मैंने तुमसे हर पल झूठ बोला, पर आज ये लाज झूठ था कि मेरे पापा को बिजनेस में नुकसान हो गया है। एक्चुअली उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस हमें ये शहर छोड़कर विदेश जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाते जाते तुमको पूरी तरह से लूट लिया जाए। मगर तुम्हारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चोरी करवाई जाए। अब पुलिस मेरे तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें ही पकड़ेगी, तो पड़े रहना जेल में। हा 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 हा। ओ तेरी रेडी भी तो सुननी पड़ी यार, उसने तो बचाऊं कभी वापी जावा आता। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अरे हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि अब तुम रेडी की तरफ मत भागना, क्योंकि उसको भी मैंने बेच दिया है। मैंने सोचा कि इस चोरी के बाद तुम तो जेल चले जाओगे, तो बेचारी उस रेडी को कौन संभालेगा, तो इसलिए मैंने अपने भाई को बोलकर हमारे वहाँ से जाते ही उसको बिकवा दिया था। That can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are the